हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। यहां फर्स्ट नंबर है हमारा 2 × 2 × 4 × 2 × 4 × हमारा यहां पर 2 है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 3 है एंड 3 × 5 है, 2 × 7 है। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा इतना बड़ा। और सेकंड हमारा 2 × 2 × 3 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × आपका 3 और 5 × 1 है और 7 हमारा 10 × 7 है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है और ये हमारा सेकंड नंबर है। हमारे दो नंबर्स हैं जिनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। तो हम जानते हैं कि एचसीएफ के हमारा क्या होता है, जो दोनों नंबर भी कॉमन हो। तो कॉमन करने के लिए क्या करते थे, आपका ये सर्कल बना लेते थे ऐसे ताकि हमें आसान जाएगी समझने में। तो ये अपना बन गया 3 के कितने पेयर बनाए, 3 पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4 पेयर बन गया है ना, 5 का एक पेयर बन गया और 7 के आपके 2 पेयर बन गए। तो हमारा एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 1 × 2 × 3 × 4 × 3 × 2 × 5 × 2 × 7। ठीक है, हमारा 1 × 2 × 2 है, 3 × 2 किया दोनों कॉमन है 2 × 2, फिर 3 आपका 1 × 2 × 3 × 4 × 3 कॉमन है 1 × 2 × 3 × 4 × 3 को कॉमन रख लिया, फिर आपका 5 कॉमन है 1 × 1 तो 1 × 1 में 5 को रख लिया और 7 हमारा 2 × कॉमन है तो 2 × 7 रख दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हमारा जो है जो जो कॉमन है उसको रखते ही है, जो कॉमन नहीं है उसको भी रख लेते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पर पहले फर्स्ट लाइन में 2 × 2 × 2 × 2 और एक तो हमारे यहाँ पर सराई वाला तो इसको भी रख लेंगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 3 रख लिया, 1 × 2 × 3 × 4 × 3 कॉमन रख लिया और जो एक्स्ट्रा बच रहा है एक्स्ट्रा कितने बच रहे हैं, 2 नीचे बच रहे हैं इसको भी रख लेंगे यहाँ पर, ये भी हमारा 3 × 3 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 5 हमारा कॉमन वाला पहले 5 कर दिया और फिर जो कॉमन नहीं है कितने आपको 1 2 आपको बचे हैं तो उसको भी रख लिया और × 7 हमारा कितने टाइम आपका 8 जो 2 × कॉमन वाले 2 × कॉमन रख लिया बाकी बचे 1 2 3 4 5 6 बन गए। तो इनको भी हमने रख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा आ गया एलसीएम। एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको रखते हैं और एलसीएम जो कॉमन होने के साथ साथ जो आपके छूट जाते हैं बच जाते हैं जो कॉमन नहीं होते हैं उनको भी रख लेते हैं। तो ये हमारा एलसीएम एलसीएम आ गया इन दोनों नंबरों का और ये हमारा एलसीएम आ गया दोनों नंबरों का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, फाइंड द एचसीएफ एंड एचसीएफ ऑफ 18 एंड 30 एंड फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 13 एंड 18। ठीक है, 13 और 18 का हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो आपका एचसीएफ निकालने के लिए हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं 30 और 18 ले लेंगे और इसको हम फैक्टराइज करेंगे। आपको जो भी मेथड इजी लगे उससे आप कर सकते हैं, इससे आपका जो है कॉमन मेथड में दे रहा हूँ। पहले 30 से डिवाइड किया 2 × 15 जा 2 × 9 जा, अब एक दूसरे डिवाइड दोनों नहीं होगा, क्या होगा आपका 21 दोनों डिवाइड होंगे, 3 × 5 जा और 2 × 3 जा 3 × 3 जा है ना। इसके बाद ये दोनों नंबर कॉमन जो है एक साथ फैक्टराइज नहीं हो रहे हैं, प्राइम फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो हम इसको डिवाइड करना बंद कर देंगे। एचसीएफ इक्वल टू 2 × 3 = 6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एचसीएफ में जब तक दोनों सेम नंबर से, अगर दो टर्म दो आपने नंबर दिया या 3 नंबर दिया या 3 नंबर दिए हैं वो सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए।
ठीक है, और एलसीएम में तब तक डिवाइड करते हैं जब तक नीचे क्या आ जाए, वन आ जाए, उसको भी देखते हैं कैसे करते हैं। तो 30 और 18 लेकर हमने इसको डिवाइड किया, पहले 2 से डिवाइड किया तो 15 जा, 2 9 जा, 3 से डिवाइड किया 3 5 जा, 3 3 जा, 3 से डिवाइड किया 3 5 जा, 3 1 जा, 5 से डिवाइड कर देंगे 5 1 जा एंड 5 1 जा। एलसीएम इक्वल टू 2 इनटू 3 इनटू 3 इनटू 5, ठीक है। तो 3 3 9 10 90 हमारा क्या आ गया, इसका डिवाइड करके आई आ गया। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द एलसीएम एंड एलसीएम ऑफ द 30 90। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हमारे जो 30 और 18 है, ठीक है, इनका हमने जो है एलसीएम निकाल लेंगे, हम सेम नंबर ऐसे नंबर पे डिवाइड करते हैं दोनों को डिवाइड कर सके। तू पहले दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो उसे उसे दोनों को डिवाइड करके इस बार उसे डिवाइड नहीं हो रहा है, हमने 3 से डिवाइड किया, अब यहां पर 5 आ गया, 3 अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, यहां डिवाइड करना हमारा बंद हो गया और हमारे से भाग गया कि 6। दूसरी मेथड जैसे मैं आप जानते हैं कि तब तक डिवाइड करते हैं जब तक लास्ट में ना जाए 1 आ जाए, हम इसको ऐसे निकाल लिया, 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से फिर डिवाइड किया और लास्ट 5 से डिवाइड करके हमने ऐसे निकाल लिया, कितना आ गया हमारा 90 आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं पहले 6 पहले। ए फ्लैशिंग बल्ब ऑन द स्ट्रिंग ऑफ हॉलिडे लाइट्स फ्लैशेस वंस एवरी 10 सेकेंड, ठीक है ना, कितना आपका 10 सेकेंड, एक बल्ब आपका फ्लैश कर रहा है। अनदर बल्ब फ्लैशेस वन एवरी 15 सेकेंड, और जो सेकेंड बल्ब है वो 15 सेकेंड में हमारा क्या कर रहा है, फ्लैश कर रहा है। एंड इफ दे आर फ्लैशिंग टुगेदर नाउ हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टू बल्ब आर फ्लैश टुगेदर नेक्स्ट अगेन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कब अभी एक साथ जो है जल रहे थे जले हैं, फिर उसके कितने समय बाद फिर जलेंगे, या अभी घंटी बजी फिर सभी एक साथ कब घंटी बजेगी, ये सभी दौड़े और बाद एक साथ कब मिलेंगे, फिर मेरे एक पॉइंट पे मिलेंगे, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। हम इसमें एलसीएम निकालेंगे 10 और 15 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 2 5 4 2 ये खाली डिवाइड नहीं होगा, या फिर 3 से 5 और ये 5 आ गया, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5 इक्वल टू 2 × 5 = 30। 30 सेकंड बाद दोनों बल्ब फिर से क्या करेंगे, बल्ब का आंसर क्या करेंगे, फ्लैश करेंगे। तो आंसर आ गया बोथ बल्ब्स अगेन फ्लैश आफ्टर 30 सेकेंड। ओके, तो 30 सेकेंड बाद दोनों बल्ब क्या करेंगे, फ्लैश करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो जब ऐसे क्वेश्चन एक साथ कहीं जैसे एक पॉइंट से दौड़ रहे हैं, एक पॉइंट सभी बच्चे दौड़ना शुरू करें, सबकी स्पीड अलग अलग होती है, तो राउंड लगा रहे हैं और फिर वो बाद फिर कभी इसी पॉइंट पर सभी एक साथ कम मिलेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन हो या घंटियां बज रही हैं, एक घंटी 10 सेकंड बाद बजती है, एक घंटी जो है 15 सेकंड बाद बजती है, जो है 20 सेकंड बाद बजती है, फिर अगे जो कभी किस टाइम में वो एक साथ बजेंगी, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो इस समय हमारा क्या होता है, आपको एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन एंड एंड्रयू आर रनिंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक, दे टेक 48 सेकंड एंड 56 सेकंड टू द कंप्लीट ए लैप रिस्पेक्टिवली, दे बिगिन फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम एंड रन इन द सेम डायरेक्शन, ए हाउ विल द टेक देम टू मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ मेनी लैप्स हैड ईच बॉय रन बाय देम, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए फिर वही क्वेश्चन, मैंने कहा एक साथ दौड़ना शुरू किए, दोनों के दौड़ने का टाइम क्या अलग अलग है, इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। अभी पूछा कितने लैप लगाएगा, उसको जो एलसीएम आएगा तो उसमें दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, उनका लैप्स आ जाएगा कि वो उतने समय में कितने राउंड लगा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द थिकनेस
आप साइंस बुक इज 20 mm एंड मैथमेटिक्स बुक इज 28 mm. बुक्स आप इस टाइप आप स्टॉक्स अप इनटू सेपरेट पाइल्स. आपका 20 mm के जो थिकनेस है बुक की और दूसरी क्या है 28 mm की है और दोनों को क्या लगाया जा रहा है पाइल्स हैं ढेर लगाए जा रहे हैं ऊपर बुक्स को रखे जा रहे हैं. व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द ईच पाइल सच दैट बोथ पाइल्स आर ऑफ द सेम हाइट. कब दोनों जो बुक्स सेम हाइट पर पहुंचेंगे तो ऐसा क्वेश्चन में भी क्या करेंगे हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है ना. फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच पाइल्स और फिर नंबर ऑफ पाइल्स को फाइंड आउट करना इसमें फिर क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे एलसीएम से जो है अलग अलग बुक्स की जो मोटाई है थिकनेस है 20 mm को पहले डिवाइड कर देंगे एलसीएम से तो नंबर ऑफ बुक्स आ जाएगा. फिर एलसीएम को 28 से डिवाइड कर देंगे तो उसमें भी नंबर ऑफ बुक्स आ जाएगा. टोटल बुक्स आ जाएंगे कितने कितने बुक्स दोनों को रखना पड़ेगा. ठीक है समझ में आ गया होगा. धन्यवाद.